हेलो गाइस वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है जिसे हम व्यवहारिक मानवशास्त्र के नाम से भी जानते हैं तो हम देखेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इसके ऊपर कैप्टन रेट रे एंड रेसी रॉय का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है क्या रोल रहा है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी जिसे हम व्यवहारिक मानवशास्त्र के नाम से जानते हैं और ये मानव शास्त्र की एक इम्पॉर्टेंट शाखा रही है जो मानव शास्त्रीय ज्ञान को व्यवहारिक रूप में मानवीय समस्याओं को सुलझाने का काम करता है और सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करने में इसका यूज़ किया जाता है अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है कोई समस्याएं हैं सामाजिक परिवर्तन को नियोजित रूप में कंट्रोल करने में ये इस विधि का प्रयुक्त किया जाता है ये प्रयुक्त होता है अगर हम बात करें नाइनटीन ट्वेंटी वन की तो अशांति एक ट्राइब का नाम है अशांति जो है वो एक ट्राइब है तो उसमें तृतीय विद्रोह फैला हुआ था उसी समय अप्लाइड एंथोलॉजी का उद्भव माना जाता है कि जब उस विद्रोह को शांत करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो जो एंथ्रोपोलॉजी का जो यूज़ किए उस विद्रोह को शांत कराने के पर्पज से तो उसी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यानी व्यवहारिक मानव शास्त्र का नाम देती है या उसे उद्भव का टाइम माना जाता है कि उस टाइम में ही नाइनटीन टाइन्टी वन में ही अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का क्या हुआ ऑरिजिन हुआ तो कौन सा ट्राइब अशांति ट्राइब है जिनके बीच में एक तृतीय विद्रोह फैला हुआ था उसी विद्रोह को दबाने के पर्पज से ये जो व्यवहारिक मानव शास्त्र यानी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इसका उद्भव माना जाता है इससे पहले किसी को यह विश्वास ही नहीं था कि शास्त्रीय ज्ञान का कोई व्यवहारिक को उपयोग भी संभव हो सकता है परंतु उस टाइम में जो घटना घटी घटना ने मानव शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की ओर सर्वप्रथम ध्यान अट्रैक्ट किया तो ये जो अशांति ट्राइब है कहाँ पाया जाता है तो ये अफ्रीका में पाया जाता है अफ्रीका के पश्चिमी तट जो निवास करने वाले ट्राइब्स होते हैं जिनको असांति जनजाति या असांति ट्राइब्स कहा जाता है अफ्रीका पश्चिमी तट पे ही ये निवास करने वाले ट्राइब्स है अशांति ट्राइब तो इनके बीच में एक राजा एक साधारण स्टूल पर बैठता था जो राजा हुआ करते थे वो एक सिंपल से स्टूल पे बैठा करते थे और अपने हाथ को प्राय उसी प्रकार के अन्य स्टूल पर जैसे कुछ हिस्सा सोने से ढका हुआ होता था तो उस पर रखते थे या उनका विश्वास था फेत था कि वह स्टूल ईश्वर प्रदत्त है यानी भगवान का द्वारा भेजा गया है भगवान का आशीर्वाद है स्टूल को इतना इम्पॉर्टेंट था वह पवित्र और शक्तिशाली समूह का प्रतीक माना जाता था जो काफ़ी वो स्ट्रांग है काफ़ी वो पवित्र है एटीन सिक्स के लगभग ब्रिटिश जो शासक है जो रूलर है और शांति जो ट्राइब है इनके बीच किसी रीजन से क्या हुआ ना कुछ फाइट स्टार्ट हो गया संघर्ष होना स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश जो भी ऑफिसर्स थे वो उस सोनी स्टील को उनसे क्या करना चाह रहे थे वो छीनना चाह रहे थे शांति ट्राइब का जो राजा है उसे सोने का स्टूल उनसे छीन लेंगे तो जितने भी ब्रिटिश थे उनका अनुमान था कि ऐसा करने पर क्या हुआ ना कि जो अशांति जो ट्राइब है जनजाति है उनके वश में आ जाएंगे मतलब तो वो कहा कहा जाता था कि वो जो स्टूल है भगवान का दिया हुआ है यानी भगवान का उसमें वास है या आशीर्वाद है जो भी है अगर वो स्टूल अशांति ट्राइब से अगर छीन लिया जाए तो वो स्टूल अंग्रेज़ के हाथ में जाते क्या करेंगे वो ट्राइब्स वो उनके अंडर में चले जाएंगे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी उन्हें ऑर्डर देगी जो भी इंस्ट्रक्शन देगी वो उस ऑर्डर को मानेंगे उस इंस्ट्रक्शन को मानेंगे उन्हें फॉलो करने लगेंगे तो इसी कंसेप्ट को लेकर इसी विश्वास को लेकर जो ये ब्रिटिश थे वो क्या करने लगे अशांति ट्राइब्स वो उनका स्टूल छीनने लगे उन्हें अपने कंट्रोल में करने के पापस से तो शांति जो ट्राइब्स थे वो इसका मतलब ऑवेश बात है वो विरोध करेंगे जैसे आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं भगवान का आशीर्वाद मांग रहे हैं वो स्टूल को आप कैसे किसी के हाथ लगने देंगे तो विरोध काफ़ी करने लगे इस टूल को छिपा कर फिर वो रख दिए फिर उन्नीस सौ इक्कीस नाइनटीन ट्वेंटी वन में या जो पता लगा लिया गया कि कुछ अपराधियों ने इस टूल को के सोने को क्या कर दिया गया है स्टूल से सोना को निकाल कर बेच दिया है बस शांति लोग को पता चलना था पता चलने की देरी थी वजह से उन लोगों को पता चला तो फिर इसके बाद वो अपना भयंकर रूप धारण कर लिए जितने भी ट्राइब्स थे और यह मांग पेश किया कि जो भी अपराधी हैं उनको मार डाला जाए यानी कि जो भी चोर हैं जो भी थीफ है जिन्होंने थेप्टिंग किया है उन्हें क्या कर दिया जाए मार डाला जाए तो जो सिचुएशन था काफ़ी क्रिटिकल था काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी तो इस विद्रोह ही होने वाला था काफ़ी खून खराबा होने वाला था वॉर होने वाला था तो इसी समय एक गवर्नमेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे कैप्टन रेड ट्रे तो कैप्टन ट्रे तो उनके बीच में गए और फिर शांति लोगों को स्टूल दे दिए और अपराधियों को फिर दंड देने के लिए अनुमति प्रदान की कि हल्का फुल्का उनको दर्द दे दिया जाए इस प्रकार एक गंभीर समस्या का समाधान किया गया एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया और एंथ्रोपोलॉजी का जो ये व्यवहारिक महत्व है वो स्पष्ट हुआ कि हाँ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है जो एक युद्ध होते होते रह गया कैप्टन रेड के कारण उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया और उन्हें एक वैसे एक स्टूल लाकर दे दिया शांति ट्राइब को तो फिर कुछ टाइम बाद इसी तरह का एक और घटना घटी इस तरह के एक की एक अन्य घटना जो घटी वो ऐसी रॉय के द्वारा सुलझाया गया नाइनटीन ट्वेंटी वन की ही बात है असहयोग आंदोलन में जो ऐसी रॉय ने तत्कालीन सरकार से प्रचलित एक भ्रम को दूर किया एक पुलिस अधिकारी जो थे यानी एक पुलिस जो ऑफिसर थे परा पंचायत में भाग लेने हेतु बुलाए गए मुंडा राजाओं की एक सभा के संबंध में गलत सूचना पाई और शक हुआ कि मुंडा जनजाति जो है उसके मेंबर सैन्य सदस्य सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं ताकि छोटे नागपुर में मुंडा राजा की स्थापना की जा सके यह सूचना जब उपायुक्त को मिली तब उन्होंने ए सी रॉय को सुझाव दिया और उन्हें आमंत्रित किया जितने भी ट्राइब्स थे उनके बीच चर्चित तेसी रॉय काफ़ी उस वक्त फेमस थे ट्राइब्स उन्हें काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि ट्राइब्स के ऊपर ए रॉय का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनके सोसाइटी में उनके बीच में हो जाकर उन्होंने उन पर काफ़ी रिसर्च किया है काफ़ी स्टडी किया है और झारखंड जो भी ट्राइब्स हैं उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी उनपे बुक्स भी लिखा है तेसी तो रॉय को क्या किया उन जनजातियों के बीच में भेज दिया गया तो जब वैसे रॉय जाकर देखा कि मुंडा जनजाति के लोग सचमुच षडयंत्र रच रहे हैं या नहीं या पता लगाने के लिए जब वहाँ गए तो जब वे वहाँ पहुँच कर देखे तो वे अपनी कृषि तथा तो शिक्षा संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए सभा कर रहे थे मतलब कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो प्रोग्रेस हो ये है और कैसे भी जो एजुकेशनल जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसका डिस्कसन चल रहा था उस मीटिंग में तो ऐसी रॉय ने उन्हें समस्या के प्रति जागरूक होते देखा तब उन्होंने उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया कि ठीक है तुम लोग की जो जो प्रॉब्लम्स है मैं सरकार तक पहुंचा दूँगा और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते दिए जाएंगे तो इस प्रकार ऐसी रॉय के सहयोग से एक हिंसक घटना घटते घटते बच गई तभी से अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है सोसाइटी में और अन्य जो भी अदर ब्रांचेज हैं एंथ्रोपोलॉजी की तो उस तरह से अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी एक एंथ्रोपोलॉजी के इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें कैप्टन रॉय रेड रॉय एंड ए सी रॉय इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस युद्ध को होने से रोकने के लिए और फिर हैं नी वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ जय हिंद